जो इंटरनेट पे एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स हैं इनसे ट्राई करें काम लेने की, जैसे कि अपवर्क है, फाइबर है और भी डिफरेंट इस तरह की वेबसाइट्स हैं। लोग जहां भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इधर भी टाइम लगता है आपको काम लेने में, सक्सेस लेने में। वॉइस आ रही है मेरी? कुछ लोग कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही। आ रही सबको? ठीक हो ना? ओके, थैंक यू। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं पैटर्न बताता हूँ कि बाजार तो सिर्फ जाके इसमें आपने अपनी जैसे नॉर्मल आप सीवी बनाते हैं, इसमें डिफरेंट ये होता है कि अगर आप वर्क या फाइबर में आप जाते हैं तो आपको लाइव सीवी बनानी पड़ती है। लाइव सीवी का मतलब था कि जो आपको आता है वो आपने अपनी प्रोफाइल बना के अपलोड कर रही है, जैसे लिंक्डइन में प्रोफाइल बनती है, इसमें भी ऐसी प्रोफाइल बनती है। इसमें कुछ टिप्स होती हैं जो मैं शेयर करता हूँ आपसे कि जब आपने अपना अकाउंट बनाना है तो बाद दफा हम सीवी ऐसे, जैसे नॉर्मली सीवी हमारा पैटर्न होता है कि हम उसमें मल्टीपल चीजें कवर कर देते हैं, एक ही सीवी के अंदर आपने हर फील्ड को डिस्कस किया होता है, तीन चार डिफरेंट तरह की कह लेते हैं उसमें आपने जॉब मेंशन की होती है डिफरेंट एरिया की, तो उस तरह की सीवी इसमें सक्सेसफुल नहीं होती। बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि अगर आप अपवर्क में सीवी बना रहे हैं तो सीवी आपकी एक ही चीज पे आपने फोकस करके बनाई हो, कि आप एसईओ में हैं तो उसी के ही सर्कल में आप रहें, बजाय कि एसईओ के साथ आप कोई ऐसी चीजें भी ऐड करते हैं जिस तरह आपको अकाउंट्स का काम भी आता है, आपको कोई और भी कोई ऐसी जॉब आती है, वो सीवी इसमें सक्सेसफुल नहीं है, वो प्रोफाइल इसमें सक्सेसफुल नहीं है। आप एक ही चीज पे फोकस करके इसमें एक तो बनाए कि दाएं बाएं आप डिस्कस ना करें, ये बेस्ट प्रैक्टिस इसमें है। क्योंकि जो आपने अपनी स्किल बतानी होती है वो स्किल एक ही फील्ड की हो, तीन चार स्किल भी हो लेकिन आपस में क्लोज हो, जैसे एसईओ की है आपकी फिर उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग की हो सकती है, पीपीसी की आपकी स्किल हो सकती है, लीड जनरेशन की स्किल हो सकती है, इनका आपस में रिलेशन बनता है, ये एक प्रोफाइल में सारी स्किल ला सकती है। लेकिन अगर एक एक एक, एक प्रोफाइल के अंदर आप कोई बहुत ज्यादा एसईओ है, साथ आप डेवलपर भी हैं, साथ आप ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, साथ आप वीडियो को एडिट करना भी जानते हैं, वो प्रोफाइल इसमें ज्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं देती, खासतौर पे शुरू के दिनों में। तो आपने बिल्कुल एक फोकस करके इसमें अपनी एक सीवी जब प्रोफाइल क्रिएट करनी है, उसमें वो आपका कोई लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस है वो भी पूछता है कि अगर आपने लोकल मार्केट में कुछ कर रखा है, जो लोकल मार्केट से आपको इंटर्नशिप कर रखी है, कोई जॉब कर रखी है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं अगर आपका फिजिकल को मार्केट में जॉब कर रखी है, लेकिन वो भी एक्सपीरियंस आपने वो डालना जो रेलिवेंट हो। इरेलीवेंट एक्सपीरियंस डालने का फायदा कोई नहीं, और रेलिवेंट एक्सपीरियंस आप इसमें ऐड करें जो आपके पास है। जब आप अकाउंट अपडेट हो जाए तो फिर इसमें जैसे आप वर्क में कुछ छोटे छोटे टेस्ट भी इन्होंने रखे हुए हैं, टेस्ट भी ले लेते हैं और टेस्ट जैसा आपको वेरीफाई कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है, खासतौर पर नई प्रोफाइल के लिए टेस्ट की वैल्यू होती है, जिससे पता चल जाता है काम देने वाले को कि आपको किस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज है। एसईओ का टेस्ट है, कंटेंट राइटिंग का टेस्ट है, और भी सारे फील्ड के ग्राफिक डिजाइनिंग का टेस्ट होता है, वो टेस्ट इंटरनेट से उसके सोल्यूशन भी मिल जाते हैं, लोग वहीं से देखकर टेस्ट को पास कर लेते हैं। उस पास करने का मकसद कि आपकी प्रोफाइल में वो रेटिंग आ जाती है कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है, वो एक जस्ट एक नए बंदे के लिए थोड़ा सा एक ऑप्शन हो सकती है कि आप अपना वो टेस्ट पास कर लें। एक तो ये बात, उसके बाद जब टेस्ट पास हो जाए तो फिर आपको वो डिफरेंट तरह की ऑप्शन दिखाना शुरू कर देता है आपकी प्रोफाइल। जैसे मैंने कहा था ना कि सेम एक ही बिजनेस में प्रोफाइल रखें, वो फिर आपको आपकी प्रोफाइल के रेलिवेंटली जॉब दिखाता है। अगर आपकी प्रोफाइल में वाले को भी नहीं समझ आएगी, और अगर अपवर्क भी आपको कोई जॉब दिखाएगा वो भी रेलिवेंट दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजों पर बनी। आप जब अपना अकाउंट बना लेंगे आपको जॉब नजर आना शुरू हो जाएगी, आपको वो जॉब दिखाना शुरू कर देगा, आप खुद जाके भी जॉब दे सकेंगे कि आपके फील्ड में कौन कौन सी जॉब आ रही है। अच्छा, जब जॉब आती है इसमें तो सबसे पहले आपने उसमें प्रपोजल सेंड करना होता है, सेम जैसे आप सीवी सेंड करते हैं। इसमें डिफरेंस ये है कि हम जो कि उसी तरह के पैटर्न से जहां आते हैं, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में सीवी अप्लाई करते हैं कि हम एक दफा सीवी बना के रख लेते हैं और फिर हर जॉब पे वही अप्लाई करते रहते हैं, वो काम इधर नहीं चलता। अगर एक जॉब आई है, कोई इसने कोई काम आपको कहा कि मैंने काम करवाना चाहता हूँ, तो आपने उसको उसकी जॉब पढ़ के उसके बारे में एग्जैक्ट आंसर देना है। जैसे आपको याद है याहू आंसर पे हम बात कर रहे थे कि हम किसी क्वेश्चन पढ़े फिर उसका आंसर करें, क्वेश्चन को पढ़ के फिर आपको वो सुनेगा, इसी तरह इसमें भी अगर आप उनके क्वेश्चन को पढ़े बगैर अपनी सीवी ड्रॉप कर देंगे अपने ही एक जनरल फॉर्मूले के साथ तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। एक तो होता है टाइमिंग के, सबसे पहले आपकी सीवी जाए, आप 9-7 बजे दिन अमेरिका का ज्यादा काम आता है, यूएस का कनाडा का, आप यूएस के टाइम पे ऑनलाइन हो शाम को 7-8 बजे, जैसे जॉब है आप फॉरन अप्लाई करें, लेकिन उस प्रपोजल उस जॉब को पढ़ के प्रपोजल बनाएं, जो उसने मांगा हो वो ही आप दिखाएं, अगर आपके एक्सपीरियंस में वो है तो वो लिंक शेयर करें कि मैंने ये काम पहले किया हुआ है, यानी कि जो उसने कहा
वो अगर कह दे कि मुझे, फर्ज करें वो आपको ये कह दे कि मुझे गेस्ट पोस्टिंग चाहिए, तो आप गेस्ट पोस्टिंग के बारे में लिख के उसको अपनी प्रोफाइल शेयर करें अगर आपने की हुई है कि मैं गेस्ट पोस्टिंग करता रहा हूँ। अगर वो कहता है मुझे याहू आंसर चाहिए तो आप याहू आंसर का जवाब दें। इसी तरह अगर वो कहता है कि मुझे इतनी पीआर के बैकिंग चाहिए तो आप उसी के मुताबिक बताएं और जवाब दें। और अगर कोई एक्सपीरियंस है तो लिंक शेयर कर दें, एक्सेल वगैरह पे गूगल शीट में वो चीजें ऐड करके उसको दिखा दें रीडेबल फॉर्मेट में। यानी कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो गूगल शीट में ऐड कर ले रीडेबल फॉर्मेट में, और अगर कोई क्लाइंट आपसे जॉब मांगता है तो वो लिंक शेयर कर दिया करें साथ, ताकि वो देख सके बाकी काम आपने किया हुआ है, उससे फिर आपको जॉब मिलने के चांस बेहतर हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको जो टिप दी थी कि इंटर्नशिप या जॉब वगैरह शुरू में करेंगे लोकल मार्केट में, जो कि काम जल्दी मिल जाता है, तो आपके पास वो चीजें प्रोफाइल में ऐड हो जाएंगे। वो प्रोफाइल अपनी आप गूगल शीट में बना लें, और जब कोई इधर आप वर्क पे काम लेने जाएं तो वहां वो शीट शेयर करें कि मैंने ये काम किया हुआ है, ताकि उनको पता चले ये काम आपको आता है। तो उसका मतलब था कि जॉब देख के प्रपोजल बनानी है कस्टमाइज, जनरल प्रपोजल बना के अप्लाई करेंगे कभी काम नहीं मिलेगा। इसलिए जब कस्टमाइज प्रपोजल बनाएंगे तो डेफिनेटली काम आपको मिलेगा। शुरू में थोड़ा सा रेट मुनासिब रखें, बहुत ज्यादा कम करने की भी जरूरत नहीं है, रेट मुनासिब रखें, और जो अपवर्क आपको अलाउ करता है कि इतनी बिड आपने करनी वो करें। शुरू में पे स्लो रखें, और अगर वो फर्ज करें आपको 50 बिड की परमिशन देता है तो 50 को पूरे मंथ में डिवाइड रखें, ताकि बाद में अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है। फिर थोड़ा सा अकाउंट पुराना और बेहतर होगा कि अकाउंट बना के थोड़ा सा स्लो पेस में चले नए अकाउंट पे, और जब थोड़ा सा अकाउंट पुराना हो जाए तो फिर आप इससे बिड बाय भी कर सकते हैं। ये आपको पेड भी बिड देता है कि अगर आप मुझे इतना पे कर दें तो इतनी जॉब पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप पुराने अकाउंट के साथ ये काम भी कर सकते हैं, किसी से पुराना अकाउंट मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होती है, तो वो ब्लॉक करने के चांस थोड़े से कम होते हैं। अगर आप न्यू अकाउंट होगा तो थोड़ा सा आपको केयर करनी पड़ेगी, टू दी पॉइंट आपको बड़ी रेलिवेंट पे जाके बिल लगानी पड़ेगी और थोड़े स्लो पेस से चलना पड़ेगा। बाद दफा आप सारा एक ही दिन लगा देते हैं, उससे भी अकाउंट सस्पेंड हो जाता, तो उसको 30 दिन पे डिवाइड रखे जितनी उसने आपको परमिशन दी हुई है। तो शुरू में थोड़ा सा सबर है, इसमें भी काम है, लोग आएंगे आप अप्लाई करेंगे रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ऐसा ऐसा रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शुरू में अकाउंट खाली होगा, नया होगा, आपके अकाउंट की एज भी लिखी होती है कब अकाउंट बना था आपका। जैसे जैसे आप अकाउंट पुराना होता जाएगा काम मिलने का चांस बढ़ता जाएगा। उसमें जिस तरह आप लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है, बात तो ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद भी जॉब देने वाले बन जाए, अगर आप आपस में भी एक दूसरे की प्रोफाइल बेहतर करना चाहें तो लोग ये भी किसी से रिक्वेस्ट कर देते हैं कि मुझे एक जॉब दे दें, और वो जैसे ट्रांजेक्शन ही होती है उसमें कोई काम नहीं होता, जैसे फॉर्मेलिटी। इस तरह आप आपस में भी कर सकते हैं कि आपका एक साथ अकाउंट करे, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर ले और उसमें ट्रांजेक्शन हो जाए पूरी, और आपके अकाउंट में एक प्रोजेक्ट आ जाए कि आपने जो प्रोजेक्ट किया हुआ, तो लोग इस तरह काम भी कर लेते हैं। लेकिन खैर मेरा मेरा मशवरा ये कि ऑनलाइन ये काम जहां से लेना इतना भी आसान नहीं। आप पहले जब फिजिकल से शुरू करेंगे ना इंटर्नशिप जॉब ऐसा ऐसा इसको भी, यानी कि आप इंटर्नशिप शुरू करें आप अपने अपना अकाउंट बना दें, इंटर्नशिप चलती रहे, अकाउंट को अपने को बेहतर करते जाएं, चीजें ऐड करते जाएं, बहुत ज्यादा जगह पे वेट ना लगाएं, थोड़ा सा वेट करें अकाउंट पुराना होने दें। जैसे 2-3 माह की इंटर्नशिप पूरी होगी आपकी तो ये अकाउंट भी थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, फिर ऐसा ऐसा आपको जहां से आइडिया भी मिल जाएगा कि मुझे कैसे वेट करनी है, मुझे आपको काम की भी थोड़ी और समझ आ जाएगी, तो आसानी हो जाएगी काम लेने के लिए। क्योंकि क्लाइंट आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी जहां देखता है कि आपने बात कैसे की, थोड़ी सी इंग्लिश भी जहां बेहतर चाहिए क्योंकि आपने आंसर करना है उसको। और फिर अगली बात है कि जब आपको काम मिले तो फिर आपने इसी के अंदर रहना, अगर आप उसको स्काइप वगैरह पे जब बाहर चैट पे बुलाएंगे उस बंदे को ताकि इनका कमीशन ना देना पड़े, तब भी अगर इनको पता चल जाए तो अकाउंट बंद हो जाता है। तो शुरू में आपने हर तरह की एहतियात करनी होती है, थोड़ा सा अकाउंट पुराना हो जाए। लेकिन अपवर्क पे कभी भी नहीं रहना, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देखे जिनकी अपवर्क की बड़ी अच्छी प्रोफाइल थी, अचानक प्रोफाइल सस्पेंड हो गई, फिर बच्चे जीरो पे आ गए। अपवर्क पे रखें लेकिन साथ फिजिकली वेबसाइट जॉब वो सिलसिला भी रखें। जैसे मैंने आपको कहा था कि 2-3 अर्निंग के मेथड रखें, 2-3 में एक मेथड अपवर्क का रखें, लेकिन हमेशा अपवर्क पे ना करें। ये किसी की वेबसाइट है, किसी टाइम भी कुछ हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा उनको लगा कि आपने कोई मिस्टेक की है तो अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, इसलिए एक ऑप्शन पे कभी भी नहीं रहना। जी बच्चों, फिर दूसरा, जब आपने आप वर्क से काम लेना है तो मैंने कहा काम वही लेना जो आता है, अगर आप काम वो ले लेंगे जो आता नहीं है बाद में होगा नहीं। बल्कि एक और आपको टिप देता हूँ, थोड़ा सा शुरू के 1-2 साल में जो काम नहीं आता वो कभी भी यस ना करें। बाद दफा हम इस तरह भी काम पकड़ लेते हैं, मेरा दोस्त कर देगा, मेरा कजन कर देगा, मैं किसी और से करवा के मिडल मैन जैसे बन जाते हैं। शुरू में मिडल मैन बनना मुनासिब नहीं होता, आपकी अपनी प्रोफाइल खराब हो जाती है, क्योंकि जिसने काम दिया उसने आपको दिया होता है, आगे भले बंदे ने नहीं किया तो वो मसला खराब हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि शुरू में आप वही काम पकड़ें जिसके ऊपर आपकी ग्रिप है, ताकि आपकी आपने खुद पकड़ा होगा तो आपको उसकी टेंशन भी उतनी होगी कि मैंने करके देना है, अदरवाइज वो आपके बारे में रिव्यू नेगेटिव देकर चला जाएगा। रिव्यू नेगेटिव का मतलब फिर ऑनलाइन काम नहीं मिलता,
इंटरनेट पे आजकल जितनी बड़ी वेबसाइट्स हैं सारी रिव्यू की ऑप्शंस आपने रखी हुई है, तो अच्छा मिलना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आपने वही काम पकड़ना जो आपको आता है। तो बल्कि मैं पूरी लाइफ के लिए कहता हूँ कि जो काम नहीं आता वो कभी ना पकड़ा करें, जो आता है उसी को पकड़े। जो जब हम काम पकड़ के किसी और को करवा के दरम्यान में मिडल मैन बन के कुछ थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में होते हैं, आप अपनी प्रोफाइल खराब कर रहे होते हैं। क्योंकि जो जो आप किसी को देंगे, कुछ पैसे आप रखेंगे, किसी को कोई अगले को देंगे, अगला पत्नी किसी और को ना आके दे दे, तो इस तरह इतने बंदे इन्वॉल्व हो जाते हैं, काम रह जाता है। इसलिए जो नहीं आता वो बिल्कुल कभी काम ना करे, जो आता है वो उसमें आप अपने मास्टर हैं, उसी में काम पकड़े। बिल्कुल है जी, जब असल में इतने ज्यादा अकाउंट बनाते जाते हैं हम फेक इन्फॉर्मेशन के साथ, तो अप्रूवल में टाइम लगता है। अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें, पूरी पॉइंट अकाउंट बनाएं, उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस ऐड करें तो अप्रूव होने के चांस होते हैं। बाकी टिप्स वगैरह इसकी इंटरनेट से मिल जाती है अप्रूव करवाने की, लेकिन हो जाता है। देखिए वो आपका अकाउंट अप्रूव नहीं करेंगे तो वो कहाँ से अर्न करेंगे, उन्होंने भी यही अपवर्क की अर्निंग भी आपके साथ ही है। इसलिए हर अकाउंट को रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन आप करेक्ट पूरी पॉइंट और कुछ एक्सपीरियंस के साथ प्रोफाइल दें उनको, तो होपफुली अप्रूव हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, अपवर्क को अकेला नहीं है। लोग जो अपवर्क पे, बहुत से लोग हैं जो अपवर्क पे काम नहीं करते। मैं खुद अपवर्क पे काम नहीं करता, अकाउंट मेरा है लेकिन मैं एक्टिव नहीं हूं इधर, तो तब भी ऑफिस चलते हैं, तब भी कंपनी मार्केट में अच्छा काम कर रही है। तो अपवर्क अकेला नहीं है, अपवर्क तो मेरा ख्याल है कि कोई कुछ कुछ 1% भी नहीं है जो दुनिया में काम दे रहा है। मार्केट में गूगल नंबर 1 है, फेसबुक टॉप पे है, और बहुत सारी वेबसाइट है जहां से लोग काम लेते हैं। तो अपवर्क नहीं भी देता अकाउंट तो खैर है, अपवर्क तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा कह लें कि ऐसा नहीं है कि इसके बगैर लोग काम नहीं करते। बहुत से लोग मैं जिनको जानता हूँ जिनका अपवर्क पे कोई अकाउंट नहीं, वो भी काम कर रहे हैं मार्केट में। बिल्कुल जय ऐसे ही है, फाइबर पे तो अकाउंट ज्यादा बनाना आसान। लेकिन आप मेरी उस बात पे गौर से रहे, काम करें जो मैंने बार बार की, कि दो तीन तीन ऑप्शन से स्टार्ट करें आप। अपवर्क पे बनाएं, अपना लोकल काम शुरू करें, अपनी जॉब लें, इंटर्नशिप लें और टीचिंग की तरफ आए, तीन ऑप्शन मिनिमम स्टार्ट करें, फिर आप सर्वाइव करेंगे इंटरनेट पे। बल्कि जिया साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो एक दफा इनको लिख के बता दें कि 2005-06-07 में जब हम जॉब करते थे इकट्ठे, 5-7 तक तो थे मेरे ख्याल, मुझे याद पड़ता है, तो कितनी कितनी सैलरी थी, दफा लिख के बता दें इनको, ताकि इनको अंदाजा हो जाए कि हमने शुरू कहाँ से किया हो। जिया साहब लगता पूछने चले गए। मैसेज आपको बच्चों आ गया होगा जो 2005-07-08 की ऑप्शन, सॉरी 2005-06-07 की ऑप्शन मेरे ख्याल से बता रहे हैं। हाँ 2005 की, मेरे ख्याल 7 तक भी, 7 तक मेरे ख्याल 12 हो गई थी, मुझे याद है जब छोड़ी जॉब मैंने, तो 12 पे छोड़ी 2007 में। लेकिन ये कि उस अगर मैंने खुद भी 3-4 ऑप्शन रखी हैं, एडसेंस भी साथ है, ट्रेनिंग भी है, और प्लस इसके बाद फिर सर्विसेज वाला काम भी है, और भी फिर काफी चीजें मैंने ऐड की स्टेप बाय स्टेप। वही ना कि एक ऑप्शन पे ही कभी रहे, एक ऑप्शन में ऑनलाइन वाला बंदा रह ही नहीं सकता, वरना तो वो बहुत ज्यादा इशू रहेगा उसको। आपने 3-4 ऑप्शन लेनी है। नर्स साहब आपने कब स्टार्ट किया था 4,000 में? ठीक है, 5 में मेरे, हमारी भी 5-7 तक यही सैलरी थी। इसलिए जो आप में से, जो इसलिए मैंने मैसेज दिया, आप में से बच्चे जब किसी इंटर्नशिप पे जाते हैं ना, तो
इंटर्नशिप पे बहुत दफा कम पैसे मिलते हैं, जब नहीं मिलते तो बच्चे फौरन रोना शुरू कर देते हैं, सर पैसे नहीं मिलते। तो बच्चा हौसला बहुत बड़ी चीज का एक कह लें कि एक नेम है। आप थोड़ा सा स्लो पेस से चलें, शुरू में 2-3-4 माह 5 माह कम भी हो, ज्यादा अच्छा है कि आप बिजी हो और अच्छी जगह पे बिजी हो। हर जॉब आप में कुछ ना कुछ ऐसा ऐड कर देती है जो आपको कुछ अरसे बाद फील होता है। बल्कि जैसे बैठे मैं इनको फिर देता हूँ, मुझे याद है कि जो हमारे बॉस होते थे कंपनी के, इनको पता होगा, उनकी मेरे को तब एज थी कोई 50-55, मुझे याद है उस टाइम पे, तो तब भी वो 14-14 घंटे 12-12 घंटे काम करते थे। तो मुझे तो याद है कि उस एज में भी, 55-60 की एज में भी, मेरे को तब भी उनके बाल सफेद थे। तो उनसे ये चीज सीखी है उनसे कि अगर एक बंदा इस एज में इतनी एफर्ट कर सकता है और वो सक्सेसफुल है, और मेरे ख्याल वो एक सिंपल सी उसके पास डिग्री थी कह लें कि मेडिकल की, क्योंकि उसके बाद लोगों ने FCPS बड़े किए होते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते, वो सिंपल एक MBBS की बेस पे, बड़ा नाम है लाहौर का मार्केट का। तो लेकिन एक एफर्ट मैंने देखा तब भी उसकी इतनी थी, 12 घंटे 14 घंटे, और बड़ी अच्छी उसने अपना सारा सिस्टम बनाया हुआ था बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके। इसलिए शुरू आपका भी, जो नए लोग शुरू ऐसे ही होना बेसिक से, परेशान ना हो, उसके बाद सारे स्टार्ट यहीं से करते हैं। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट बच्चों के, आप अपनी कोई कोई ऐसा बिजनेस शुरू करें जिसमें आप प्रोडक्ट सेल करें, कोई ऐसा बिजनेस शुरू करें जिसमें आप प्रोडक्ट सेल करें। मसलन अब कौन कौन सी ऑप्शन आपके पास हैं जो आप कर सकते हैं, मैं कुछ ऑप्शन आपको देता हूं। नंबर 1 पे जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, जो कह लें कि कपड़े के हवाले से बहुत ज्यादा हॉट मार्केट है पाकिस्तानी, बहुत लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने अपने को ऑनलाइन स्टोर बनाए हुए, कपड़े के ई कॉमर्स वेबसाइटें बनाई हुई, इसका स्टार्ट कहां से करना, अगर आप कहते हैं कि आपने, और फीमेल जो कह लें कि जो सूट का काम है जो बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट वो सेल होती है ऑनलाइन ई कॉमर्स में, अगर आपने अपना करना हो जिसमें फीमेल टारगेट हो, मेल ऑनलाइन में कम है अभी, ज्यादा प्रोडक्ट में, यानी कि कपड़े भी मेल के कपड़े लगाएंगे तो ऑर्डर बहुत कम आएगा, मेल की प्रोडक्ट थोड़ी सी अभी कम है पाकिस्तानी मार्केट में। हाँ, मोबाइल एक्सेसरी मेल और फीमेल दोनों का कॉमन है, वो बड़ा अच्छा चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जिनका तल्लक मेल के साथ है, वो थोड़ी सी ऑनलाइन सक्सेसफुल इतनी नहीं है, फीमेल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। अच्छा, उसमें अब आप पूछेंगे सर स्टार्ट कहां से करना है, बिल्कुल आसान तरीका आपको दूंगा बताने का। बहुत सारी टेक्सटाइल मैंने ऐसी देखी है, जो लाहौर में भी टेक्सटाइल है, फैसलाबाद में है, पूरे पाकिस्तान में टेक्सटाइल आपको पता बहुत ज्यादा इन है पाकिस्तान में। लोग क्या करते हैं, किसी टेक्सटाइल वाले के पास जाते हैं, आपको 2-4-5-10 टेक्सटाइल इंटरनेट से सर्च करें, जो थोड़ी सी स्मॉल टू मीडियम लेवल की हो, बहुत बड़े ब्रांड को ना आप टच करें, स्मॉल टू मीडियम के पास आप जाएं, उनकी लिस्ट बनाए नेट से, फैसलाबाद में चले जाएं, बहुत अच्छा अच्छी बात है, फैसलाबाद में पहले कि सारा बिजनेस ही यही है। आप उनसे जाके मिलें और उनसे 2-3-4 से आप डील करें कि आपकी प्रोडक्ट मैं अपनी वेबसाइट पर रख के सेल करूंगा, कि प्रोडक्ट आपकी होगी स्टार्ट, मैं सेल करूंगा आपकी प्रोडक्ट। आप मुझे बताइए कपड़े वाली जो दुकान खुलती है वो कैसे सेल करता है, उसको क्या प्रॉफिट होता है, वो दुकान लेता है, रेंट देता है, सारी सिक्योरिटी वगैरह स्टाफ रखता है, उसकी कौन सी अपनी प्रोडक्ट होती है, वो भी फैसलाबाद से लाहौर ला के सेल कर रहे हैं। तो आप वही काम वेबसाइट पे कर लें, जो दुकान वाला काम वेबसाइट पे हो सकता है। जब आप उससे जाके मिलेंगे किसी टेक्सटाइल वाले से, तो वो आपको अच्छा मार्जिन देगा कि मैं इतने मार्जिन में आपको दूंगा, आप आगे रख के इसको सेल करें। अब उससे डील आपकी कैसे हो सकती है, 2-3 तरीके से डील होती है। कुछ डील ऐसे कर लेते हैं लोग कि पिक्चर वो देते हैं आपको, आपकी वेबसाइट पे लगी होती है, जब आपको ऑर्डर आता है तो आप उनसे चीज लेके भेज देते हैं आगे। कुछ लोग ये काम करते हैं, फर्ज करें मुझे ऑर्डर आ गया सूट का, मैंने उधर फैक्ट्री से रब्ता किया, उनसे सूट लेके आगे भेज दिया। एक ये पैटर्न, ये एक पैटर्न ये भी है कि लोग अपने पास कुछ उनकी हॉट प्रोडक्ट अपने पास मंगवा के रख लेते हैं, घर से ऑर्डर करते हैं, ये पैटर्न भी है। तीसरा पैटर्न ये भी है कि आपको ऑर्डर आता है, आप ऑर्डर उनको कह देते हैं, वो आगे से सेंड कर देते हैं, आपको आपका कमीशन मिल जाता है, यानी कि ऑर्डर आपको है, आपने उनसे रिक्वेस्ट की, उनको कॉल की, उन्होंने आपके बिहाफ पे ऑर्डर डिलीवर कर दिया,
आपको आपका हिस्सा मिल गया जब डिलीवर हो गया। चौथी ऑप्शन के लोग उस टेक्सटाइल से मिलके अपने नेम का ब्रांड बनवा लेते हैं। अगर थोड़े से पैसे आपके पास हो, आपने कहा जी मेरा मुझे इस नेम से मुझे प्रिंटिंग कर दें कपड़ा, आपका प्रिंटिंग मुझे इस नेम से चाहिए, उसके ऊपर मेरा लोगो लगाओ, आप अपना ब्रांड बना लें। कुछ लोग ये पैटर्न भी करते हैं, और कुछ लोग मैंने कपड़े में ये पैटर्न भी देखा है मार्केट में कि लोग किसी बड़ी कंपनी के पास जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है भाई प्रोडक्ट आपकी है, हम अपने पेज पे रख के सेल करेंगे, हम कमीशन पे काम करेंगे आपके साथ, जिसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। अब क्योंकि वो बड़ा ब्रांड होता है, उस ब्रांड का ऑलरेडी मार्केट पे नेम बना होता है, उसका कपड़ा आप सेल कर रहे हैं, वो आपको उसका कमीशन भी देता है, आप पेड कंपेन चलाते हैं अपनी और पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर उसको लेके चलते हैं, और वो भी इस पैटर्न पे भी लोग काम करते हैं। लेकिन इन सब पैटर्न के लिए ज्यादा बेहतर है, जिस तरह अभी ये कह रहे हैं कि वेबसाइट फेसबुक अकेला काफी नहीं है, वेबसाइट चाहिए आपको। अगर देखें आपने इस बिजनेस में आना तो फिर थोड़ा सा फुल टाइम आया, फेसबुक अकेला नहीं है, फेसबुक से मैसेज आता है जो घर बैठे को लगा हुआ, वेबसाइट थोड़ा सा एक अच्छा मैसेज देती है। तो वेबसाइट वर्डप्रेस की वेबसाइट है बड़ी अच्छी सस्ती में बन सकती है, वेबसाइट बनवा लें, एक ब्रांड अपना बनाएं, वेबसाइट बनाएं, उसको लेके चलें। तीन आपके पास मेरा ख्याल है कि अगर आपने ये काम शुरू करना है तो 3 से 4 माह का एक्सपेंस आपकी जेब में होना चाहिए। वो एक्सपेंस सिर्फ फेसबुक की मार्केटिंग है, वो आपका एसईओ वाला काम आप खुद करें वेबसाइट पे, और एसईओ वाला काम खुद करें और वेबसाइट की फेसबुक की मार्केटिंग आपका एक्सपेंस है बस। और मुझे बताएं कि कितना एक्सपेंस है अगर आप यही फिजिकली शुरू करें तो, फिजिकली आजकल मार्केट के हालात कैसे हैं, कितना अर्सा ऐसे रहते हैं अल्लाह बेहतर जानता है। आपके इंटरनेट पे तो आपका एक्सपेंस ही कोई नहीं, वेबसाइट का एक दफा एक्सपेंस है जो आपने बनवा ली, बाकी फेसबुक की तो आपकी मार्केटिंग है, मार्केटिंग होगी तो रिस्पॉन्स उससे आएगा। बड़ी हल्की हल्की लोगों ने वेबसाइट बनाई हुई है, हल्के हल्के पेजेस बनाए हुए लोग ऑनलाइन, क्योंकि मेरे से लोग मिलते रहते हैं, मीटिंग होती रहती है तो मैं देखता हूँ लोगों को, 6-7 डिफरेंट तरीके से लोग सिर्फ कपड़े का काम कर रहे हैं ऑनलाइन, फीमेल काम कर रही है घरों से बैठ के, उन फीमेल को मार्केटिंग का भी नहीं पता, लेकिन वो ऑनलाइन काम कर रही है, उन्होंने अपने को सर्कल बनाए हुए हैं जहां उनके काम चलते हैं। तो वो काम आप लोग भी कर सकते हैं, स्टार्ट जीरो से ही होना है। मैंने आपको वर्ड दिया कि अगर आप 3-4 माह का फेसबुक का बिल उठा सकते हैं तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा। आप मल्टीपल डिफरेंट लोगों से रब्ता करें जो आपको होलसेल में दे सकते हैं, लोग कराची से होलसेल लाहौर मंगवा लेते हैं, कराची का रेट लाहौर से बहुत अच्छा है, लोग बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं फेसबुक में, लोग जहां आके कराची के होलसेलर से रब्ता कर लेते हैं, चीजें डायरेक्ट लाहौर आ जाती है, वहां से आगे लोग उसको मार्केट में बेचते हैं, लोग ये काम भी करते हैं। नहीं जी फ्रंट शॉपिफाई पे बिल्कुल नहीं बनानी, वो आपको महंगी पड़ेगी, शॉपिफाई का बिल मंथली होता है, आप वर्डप्रेस पे रहेंगे सबसे सस्ता सोल्यूशन है शुरू में। तो आपको अगर देखिए आपको एसईओ आता, अगर आप थोड़ी सी एफर्ट कर लें एसईओ में, आप लेके आपको याद है मैंने वो कई दफा आपको दिखाई है वेबसाइट, उसकी ट्रैफिक भी दिखाई है क्रॉस कल्चर की, मैंने कई दफा नाम लेके बात की है, वरना तो लोग क्लाइंट का नेम लेके बात नहीं करते, मैं फिर भी नेम लेके बात करता हूँ कि आप जो भी जाके इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको हर कीवर्ड से वो टॉप पे नजर आएगा। इन कीवर्ड की ट्रैफिक कितनी ज्यादा है, आप देखिए मैंने सर्च किया, आप मुझे बता दें कि कैसा कीवर्ड है, हजारों में ट्रैफिक है पर मंथ, हजारों में ट्रैफिक का पर मंथ। आपको एसईओ आता है, आप लोग शुरू तो करें ना, देखें आप फेसबुक की कंपनी शुरू करें और साथ एसईओ शुरू करें उसका, गूगल बिजनेस ऐड कर लें। देखिए इसका अगर आप सर्च करेंगे तो गूगल बिजनेस, आप देखिए सर्च कर रहे हैं गूगल बिजनेस पे भी नंबर वन पे, नीचे आएंगे तो उसके बाद आपका वेबसाइट भी नंबर वन, कीवर्ड देख लें किस लेवल का है। लेकिन ये पहले दिन ऐसा नहीं था, ऐसा ऐसा इधर पहुंचा है। आप अपना एसईओ शुरू करें, वेबसाइट बनाएं, इसकी वेबसाइट शुरू बनाएं, फेसबुक से कंपेन करें, और 3-4 माह का मेरे का थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। जो लोग इतनी इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की करते हैं और डिफरेंट तरह से बाएं बाएं कंपनी से वीजा लेके बाहर जाने की कोशिश करते हैं, उससे बहुत कम इन्वेस्टमेंट से जो बिजनेस चल पड़ता है, और फिर एक वेबसाइट चल पड़े, एक वेबसाइट और बना लें, दो बना लें, तीन बना लें। लोगों ने, मैं क्योंकि लोगों से अटैच हूं, मैंने देखा लोगों ने 10-10 वेबसाइट एक एक टेक्सटाइल की मैंने देखी हुई है। आप उन टेक्सटाइल से जाकर मीटिंग तो करें, उनको क्या इतराज है कि आप उनकी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो दुकानदारों को भी तो कपड़ा देते हैं ना डिस्काउंट पे, आपको भी ऐसे डिस्काउंट पे देंगे, वही आपने उसी से अर्न करना है। अगर एक दुकान लेके बंदा कपड़ा सेल करके अर्न कर सकता है तो ऑनलाइन में तो खर्चा कोई नहीं आपका, जितना जितना दुकानदार में एक सेलमैन की सैलरी होती है इतनी की आपने कंपेन चलानी है। आप इसको वेबसाइट बना के 3-4 कंपनी से रब्ता करके उनकी चीजें उठाएं और टारगेट फीमेल की प्रोडक्ट करें बस,
और पाकिस्तान में भी काम करें, पाकिस्तान से बाहर भी उसको चलाएं। एक वेबसाइट ऐसी बना लें जिसमें जिस कंट्री में वेबसाइट खोले उसकी लोकल करेंसी में प्राइस नजर आए, वो यूके खोले तो यूके में प्राइस नजर आए, वो यूएस खोले तो डॉलर में नजर आए, पीके खोले तो वो पाक करेंसी में नजर आए, तो काम चल पड़ेगा आपका। और सबसे अच्छी बात इसमें आप अपनी फैमिली को एंगेज कर सकते हैं, क्योंकि ये घर बैठे काम होना, फीमेल घर में है उनको इसमें अटैच करें, चैट वो करें ऑनलाइन जब क्यूरी आए, और आप और डिफरेंट लोगों से बाहर रब्ता करें। तो मेरा नहीं ख्याल ये एक मुश्किल काम है। अगर आप अगर मैंने मैंने अगर मैं अपनी एग्जाम्पल दूं तो मेरे नेबर में बहुत सारी ऐसी खवातीन जिनको डिजिटल मार्केटिंग का पता भी नहीं ये होती क्या, वो भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना के अपने छोटे छोटे पेजेस बना के शुरू, चलो कुछ नहीं होता उनका खर्चा तो कोई ना कोई चलता ही होगा ना, अगर वो दो दो तीन तीन साल से इस काम में लगी हुई। तो जिसको डिजिटल मार्केटिंग का काम आता है और मेल भी है, बाहर आना जाना उसके लिए आसान भी है, वो ना शुरू करे तो फिर जाती है। जी बच्चों इसमें कोई क्वेश्चन करें जो मैंने स्पेशली बात की, फिर मैं एक आध बिजनेस और बता देता हूँ आपको। ये तो मैंने कपड़े वाली बात की क्योंकि इसमें फीमेल टारगेट है तो ज्यादा इजीली पाकिस्तान में चल पाता है। अच्छा उसके बाद एक होस्टिंग का बिजनेस बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं मार्केट में, अगर आप होस्टिंग के बिजनेस में आना चाहें। तो वो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, अगर आप कोई सर्वर इंटरनेट से रेंट पे ले लें, उसको लोकल मार्केट में सेल करें। लोग बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं क्योंकि लोकल सर्वर तो किसी के पास भी नहीं है, सब लोग इंटरनेट पे सर्वर लेते हैं उसको लोकल मार्केट में सेल करते हैं, वो काम भी अच्छा है, वो भी आपका इसी कैटेगरी में आता है कि आप किसी का सर्वर सेल कर रहे हैं लोकल मार्केट में, वो भी एक ऑप्शन आपके साथ हो सकती है कि आप बाकी काम भी कर रहे हैं, एसईओ के साथ आपने ये काम भी शुरू किया, ये भी सर्विस शुरू की जा सकती है। तो इस तरह मल्टीपल ऑप्शन हैं, ज्यादा बेहतर होगा कि अगर आप जिस प्रोडक्ट में आप खुद इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आपको थोड़ा सा शौक है उस प्रोडक्ट का, उसी में इंटरनेट पे शुरू करें काम। क्योंकि कोरोना ने जो ट्रेंड सेट किया ऑनलाइन काम का, ये पीछे कभी नहीं आएगा, ये आगे ही जाएगा, आपको उसमें अपनी जगह बनानी है ताकि आपका काम चलना शुरू हो। अमेजोन का भी ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अमेजोन थोड़ा सा कह लें कि इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, जो अभी आपने बात की मैं उस पर बात करने लगा अभी आपसे, एक मिनट दीजिएगा मैं स्लाइड को ही ओपन करने लगा। लास्ट ऑप्शन है मेरे पास कि एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप किसी की चीज कमीशन पे सेल करते हैं, चीज उसकी है, सेल आप कर रहे हैं, कमीशन आपको मिल रहा है। ये काम भी अच्छा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपके पास ट्रैफिक होनी चाहिए, वेबसाइट पे ट्रैफिक हो, फेसबुक पे ट्रैफिक हो, क्योंकि ट्रैफिक होगी तो ऑर्डर लगेगा ना, ऑर्डर से आपको हिस्सा मिलेगा। लोग एयरलाइन के लिए काम करते हैं, लोग होस्टिंग के बिजनेस में काम करते हैं। आपको याद है मैंने पहले भी एक दो दफा आपको होस्टिंग का दिखाया सारा जो सिस्टम, मैं दिखाता हूँ दो तीन कंपनी का, बल्कि अपना भी आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे हम कर लेते हैं, इसमें कैसी ऑप्शन है। आप देखें ये बाहर की कंपनी आपको ऑफर करती है कि आप मेरे साथ एफिलिएट मार्केटिंग करें, ये कहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग का फॉर्मूला होता है कि आपको पहले उस सब्जेक्ट की वेबसाइट बनानी होती है। अगर आपने होस्टिंग में एफिलिएट मार्केटिंग करनी तो आपके पास पहले होस्टिंग की वेबसाइट हो, फिर ये आपको कोड देंगे, वो कोड आप अपनी वेबसाइट में ऐड करेंगे, फिर जितना ऑर्डर लगेगा ये कमीशन आपको देते हैं। जिस तरह जी 21 के ऊपर बहुत अच्छा कमीशन दे रहे हैं, इसी पैटर्न पे हम पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। मैंने कहा मेरी अपनी कंपनी भी ये काम करती है, हम भी देते हैं, अगर हमें को रेफर करते हैं हम भी उसका हिस्सा देते हैं उसको। यानी कि अगर कोई बच्चा या कोई कंपनी हमें रेफर करती है क्लाइंट, उसमें से वो एसईओ का क्लाइंट हो, वेबसाइट डेवलपमेंट का हो, वो आप कह लें कि वो होस्टिंग के वाले से हो, तो हम भी उसका शेयर उसको देते हैं। जैसे आपका और डिफरेंट बिजनेस में कमीशन होता है, इसमें भी ऐसे ही है। जिस तरह बहुत सारे ऐसे कह लें कि छोटी छोटी एजेंसी है मार्केट में या फ्रीलांसर हैं, उनके पास होस्टिंग आती है, उनके पास प्रोजेक्ट आते हैं या डेवलपमेंट के आते हैं, एसईओ के आते हैं, वो खुद नहीं करते, वो हमें रेफर कर देते हैं, वो अपना हिस्सा लेके साइड पे हो जाते हैं, काम हम कर देते हैं। उनके पास उस टाइम टीम नहीं होती, जब वो नहीं उसको मैनेज कर सकते, जब उनको काम नहीं आता तो आगे किसी बड़ी कंपनी को रेफर कर देते हैं, इसी को एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। पाकिस्तान में हम इसको कमीशन के नाम से जानते हैं, इंटरनेट पे जे
नेम ज्यादा चला है, वो एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से चला है। तो इसमें एक तो पैटर्न होगा कि अगर आपने बड़ी कंपनी के साथ काम करना तो फिर आपको वेबसाइट चाहिए होगी, वेबसाइट बना के उसके ऑर्डर करवाएं, वो आपको हिस्सा देगा। जैसे किसी एयरलाइन कंपनी के साथ काम करना आपने तो आपको वेबसाइट चाहिए होगी। अगर आपने छोटे लेवल पे काम करना तो फिर आपको वेबसाइट नहीं चाहिए, आपके पास क्यूरी आती है, क्यूरी आप रेफर करें आगे, फर्ज करें आपके पास क्यूरी आती है, आप आगे कंपनी को कॉल कर देंगे, मेरे पास एक ऑर्डर है आप डिलीवर कर दें, मेरे पास एक होस्टिंग आप कर दें, तो आप अपना शेयर लेके साइट पे, ये भी काम मार्केट में चलता है। तो इसी को एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। तो वो किसी भी बिजनेस में हो सकती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो करती हैं, ट्रेनिंग में भी हो सकती है। तो ट्रेनिंग में आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट देते हैं, वो आपको आपका हिस्सा दे देता है, वो 10% 20% 30% पर जितना भी होता है वो आपको दे देते हैं और आप साइट पे जाते हैं, वो भी कमा लेते हैं। लेकिन ये एफिलिएट मार्केटिंग मेरा ख्याल है स्टार्ट में नहीं करनी चाहिए आपको, शुरू में आपको वेबसाइट बना के थोड़ा सा जो मुश्किल काम है आसानी से, क्योंकि ट्रैफिक होगी तो काम चलेगा, शुरू आप उनसे करें जो जल्दी काम चल सकते हैं, जल्दी में ट्रेनिंग वाला काम है, जल्दी में जॉब वाला काम है, जल्दी में आपको प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं वो जल्दी में चलने वाला काम है। तो ये काम है कि आप एडसेंस पे काम करना चाहते हैं ये भी थोड़ा जल्दी चल सकता है। एफिलिएट मार्केटिंग में थोड़ी ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपको, ज्यादा अच्छी ट्रैफिक हो तो फिर काम चलता है। तो फिर मेरा ख्याल है इसको आप स्टेप टू पे रखें, जब एक काम आपका चलना शुरू हो जाए फिर इसको भी साथ आप ऐड कर लें और एफिलिएट मार्केटिंग पे भी आप काम करना शुरू, मेरा ख्याल है जो स्टेप टू बनती है। जी बच्चों इसमें कोई क्वेश्चन करना शुरू, तो ये वो मेथड अर्निंग के मैंने आपको बताया जिसमें या तो जीरो इन्वेस्टमेंट है या ना होने के बराबर इन्वेस्टमेंट है, कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए आपको। जो इसमें फिर जिस पे आपने काम करना हो तो उसपे स्पेशल डिस्कशन हो सकती है, मतलब आप कहते हैं सर मैं ये करना चाहता हूँ मुझे इसमें गाइड कर दें, क्योंकि हर मेथड में फिर अगे डेप्थ भी है। लेकिन मैंने आइडिया सबको दिया, लेकिन आप में से जो इनमें से जिस मेथड पे भी काम करना चाहे तो मैंने कहा वो लहजा मीटिंग कर ले, मिल ले आके, फोन पे बात कर ले, व्हाट्सएप पे बात कर ले, ताकि उसको फिर उसी प्रोडक्ट के हवाले से गाइड किया जाए, क्योंकि हर प्रोडक्ट में कुछ चीजें स्पेसिफिक हो सकती हैं। वो आप अलहदा से डिस्कस कर सकते हैं जिसमें किसी ने स्टार्ट लेना हो। सर एक नॉर्मल वेबसाइट, किस तरह की वेबसाइट की बात कर रहे हैं, मैं आपको उसकी कॉस्ट बता देता हूं, मतलब डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट रेट है, लेकिन एक अच्छी वेबसाइट का मेरे ख्याल अगर कोई स्टैटिक सी वेबसाइट है उसका एवरेज रेट तो लोग कोई कह लें कि 30 प्लस होता है, और अगर कोई कॉमर्स है तो 50 प्लस होगा, इस तरह रेट है मार्केट, ये फिक्स नहीं है रेट, कोई करने वाले पे डिपेंड करता है कौन कर रहा है। ये बच्चों की अर्निंग मेथड से कोई क्वेश्चन हो फाइनल तो बात कर लें, कोई वॉइस पे बात कर लें, कोई चैट पे करना चाहे, जो किसी अर्निंग मेथड में किसी ने कोई खास और कोई मेथड किसी को आइडिया हो तो पूछना चाहे तो बिल्कुल मैं उस पर डिस्कस कर लेता। जी उसके बाद ड्रॉप शिपिंग की बात करें, ड्रॉप शिपिंग का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ ये क्या होती है। मैं वैसे इस पे बात कर चुका हूँ लेकिन मैंने वहां नेम ही लिया था, जब मैंने कहा था ना कि आप अपनी को प्रोडक्ट सेल करें ये ड्रॉप शिपिंग है, आप अपनी प्रोडक्ट सेल करें ये ड्रॉप शिपिंग है। मैं इसकी वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ ड्रॉप शिपिंग की, देखिए जो किसी ने बनाई हुई है जो ड्रॉप शिपिंग पे काम करते हैं उनकी वेबसाइट मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप देख रहे हैं मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, यानी कि ये कंपनी ये खुद कह लें किसी की वेबसाइट है जो ड्रॉप शिपिंग पे काम करता है, मैं उसको आइडिया देता हूँ। देखिए मैंने इधर गया और मैं ऑर्डर देने जा रहा हूँ,
इसमें मेरे अगले स्टेप में जाके वो चीज नजर आएगी। चलो मैं वैसे बता देता हूँ आपको। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि एक कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट है, यानी कि डेल वाले हैं जिनके लैपटॉप है, फर्ज कर लो आप जहां बैठे हैं आपकी वेबसाइट है, कस्टमर आपके पास आया, कस्टमर आपके पास आया, कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, बजाय कस्टमर ने बजाय आपको ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर एक्चुअल में इसको चला गया, कस्टमर ने ऑर्डर आपको दिया वो आपके नाम से आया था, वो बजाहर आपको मिला लेकिन आपने डेल को फॉरवर्ड कर दिया, ऑटोमेटिकली वो डेल के पास चला जाएगा। डेल उस प्रोडक्ट को आपके नेम से डिलीवर कर रहा है, उसको डिलीवर डेल कर रहा है, लेकिन वो बजाहर प्रोडक्ट आपके नेम से जा रही कि आपने डिलीवर किए। इसका मतलब था कि आपने डिलीवर भी नहीं किया, डिलीवर भी किसी और ने कर दिया, जिसकी जिसकी प्रोडक्ट के डिलीवर वो करेगा। जैसे मैंने कहा था आपने टेक्सटाइल वालों से रब्ता किया, आपका एक सूट का ऑर्डर आपके पास आया, ऑटोमेटिकली वो चला गया टेक्सटाइल वालों के पास, टेक्सटाइल आपके बिहाफ पे उसको डिलीवर कर रहे हैं, आपके नेम से डिलीवर कर रहे हैं, उसके लिए डिलीवरी भी आपको नहीं करनी पड़ी, वो सारा मैनेज उन्होंने किया, आपने सिर्फ बंदा रेफर किया। इसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। जी और को बात करना, एफिलिएट मार्केटिंग में थोड़ा सा ऐसे डिफरेंस है। एफिलिएट मार्केटिंग में नॉर्मली जो होता है कि आपने ऑर्डर दिया, कंपनी ने अपने नेम से डिलीवर कर दिया, आपने सिर्फ बंदा रेफर किया। ड्रॉप शिपिंग में होता है कि वो चीज आपके नाम से जा रही है, तो बड़ा माइनर सा डिफरेंस है इसमें। दराज पे भी देखें कि अच्छा लोग काम कर रहे हैं, दराज पे भी जाहिर है आप लगाएंगे, दराज की पॉलिसी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, दराज का अपना भी कमीशन उसमें से है, लेकिन साथ शुरू किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा था कि जब आप शुरू करें तो फिर मल्टीपल ऑप्शन चले जाएं, आप अपनी वेबसाइट पे रख के भी बेचें, आप दराज पे रख के भी उसको करें काम, तो दराज एक प्लस पॉइंट हो सकता है। दराज की डेफिनेटली पाकिस्तान में ट्रैफिक तो है। इंस्टाग्राम पे भी बच्चे पेड कंपेन ही शुरू में चलानी पड़ती है, जैसे फेसबुक की कंपेन चलती है ऐसे इंस्टा का भी कंपेन चलती है, और उस पे भी ट्रैफिक आती है, वो फिर गूगल फेसबुक के साथ अटैच है वो सारा प्रोसेस, तो जैसे फेसबुक पे हम कंपेन ला लेते हैं, इंस्टा पे भी कंपेन ऐसे चलती है।
जी बच्चा, और कोई फिर जो फाइनल वर्ड है इसमें कोई और बात करना चाहे, वरना फिर हम क्लास को स्टॉप करते हैं। बाकी यही, अगर आपने इनमें से जिस मेथड पे भी काम करना है उस मेथड के लिए फिर आप दोबारा से मेरे से मीटिंग कर लें, उसमें कोई और भी डिटेल होगी तो मैं वो भी आपसे डिस्कस कर दूंगा। लेकिन जो जिस मेथड पे करना चाहता है, ट्रेनिंग में आना चाहता है और कोई सर्विस में आना चाहता है, कोई किसी और मेथड में ट्राई करना चाहता है, उस पर स्पेशल और भी मेकअप मुझे डिस्कस किया जा सकता है। अब्दरमान, ऐसी टीचिंग नहीं मिलेगी आपको, जो मैंने आपको तरीका बताया ना वही है कि आप लोकल मार्केट से टीचिंग स्टार्ट करें, हमेशा ऑनलाइन से ना स्टार्ट करें, लोकल मार्केट में कोई जगह बनाए ऐसा है, तो फिर आप अपने आप को ऑनलाइन लेके जाए, डायरेक्ट ऑनलाइन ही आपको काम मिलेगा ऐसे। जी फैसल, थैंक यू। अगर आप फिजिकली कोई क्लास शुरू कर लेंगे किस जगह पे, जिस तरह मैंने आपको बताया था, अगर फिर भी आप कोई ट्रेनिंग में सीखना चाहता है तो उसको हम भी अपने साथ अटैच कर सकते हैं, कि वो शुरू में कुछ 2-3 बार ट्रेनिंग में हमारे साथ अटैच हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता हमारी प्रोफाइल की बेस पे वो आगे शुरू कर ले, ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। उसमें आप में से जो ट्रेनिंग में एसक्यू में आना चाहता है वो मेरे से मिल ले, इसमें है ऑप्शन कि किस तरह ट्रेनिंग में जगह बनती है आज का, क्योंकि जब आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोकल मार्केट का हो जाएगा फिर आपको ऑनलाइन बात करना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास थोड़ी सी मुश्किल क्लास है, फिजिकल क्लास है, तो ऑनलाइन अगर आप इधर कर लेंगे तो ऑनलाइन भी आप इजीली चल सकते। तो अगर आप में से कोई है ऐसा साथी जो कहता है कि मैंने ट्रेनिंग में जाना है तो वो मिल ले, उसको साथ अटैच कर लेते हैं और थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा, उसके बाद वो पहले हमारे साथ ट्रेनिंग में वो आ जाए, इधर से फिर आस्ता आस्ता वो ऑनलाइन की तरफ ट्राई कर ले। जी बच्चों ठीक है, थैंक यू जी। ट्राई किया मैंने भी जो मेरे पास था, मैक्सिमम वो किया आपके, और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग फैसल क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब नहीं समझा मैं। अजरबैजान आर्मी का अस्सलाम वालेकुम। असलाम, आई शुड नो कि ड्यूरेशन क्या हो गया, मतलब हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट द ट्रेनिंग। आई नो इट मे टेक इयर्स, यू नो, टू गेट एक्सपीरियंस और गेट अ वेरी बिग फ्लोर, गुड नॉलेज, यू उसमें नो। मेरा ख्याल अगर आप ट्रेनिंग में आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल 2-3 माह लगा लें साथ। उसमें ये होगा कि पहला प्रोसेस जो होता है कि आप टीचर के साथ मिलके क्लास में भी बैठें और क्लास भी दोबारा पढ़ लें, और बच्चों को आप लैब में सपोर्ट दें शुरू में, और फिर कभी कभी टीचर आपको मौका दे कि आप क्लास में आके खुद क्लास करें, और उसी क्लास को जिसको पहले टीचर कर रहा था, 2-4-6 लेक्चर आप ऐसे दे लेंगे तो वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो आपको। देखिए वैसे आपको लगता सब कुछ है कि बोला जा सकता है, लेकिन क्लास क्लास ही होती है, जब आप खासतौर पर फिजिकली क्लास कर रहे हो या ऑनलाइन भी कर रहे हो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है क्लास करना, ये आप बगैर अगर आप प्रैक्टिस के सामने आ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपको।
आप इसको थोड़ा सा कह लें कि किसी के साथ लग के सीख के फिर फ्रंट पे हैं, तो उसके लिए आपको तीन, मेरे ख्याल 3 माह अगर आप लगा लेंगे तो 3 माह में आपको इतना हो जाएगा कि अब आप, क्योंकि तो उसमें जब लेक्चर आप फर्ज करें गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से 2, 4, 6, 10 कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस ऐड हो जाएगा, सीवी में भी लिखा जाएगा कि आप गवर्नमेंट में काम करते रहें, वो फिर अगली अगले काम के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। बट सर, इसके लिए बैकग्राउंड का होना जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल, समवन इफ समवन डोंट हैव द बैकग्राउंड फॉर आईटी और कंप्यूटर्स. बल्कि मैंने देखा कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे साथ इंटर्नशिप की टीचिंग में, और आजकल ऑनलाइन वो टीचिंग कर रहे हैं और उनको स्टूडेंट भी मिल जाते हैं ऑनलाइन, और वो लगे हुए हैं और उनका सिस्टम ठीक चल रहा है, यानी कि बाकी मेथड पे भी काम कर रहे हैं, प्लस वो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कर रहे हैं लोगों को, लेकिन उन्हें थोड़ा सा पहले इंटर्नशिप की हुई हमारे साथ, कुछ नाम बन गया उनका, थोड़ा सा लोकल मार्केट में ऑनलाइन चले गए। अब बच्चे बिल्कुल, डिग्री की वैल्यू तो कभी भी माइनस नहीं होती, और डिग्री हमेशा रहती है, डिग्री हो तो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस आप में रहता है हमेशा से, और लेकिन अगर ना भी हो तो अगर आप उसको अपनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से कवर कर सकते हैं तो हो भी जाता है। बार दफा लोगों के पास डिग्री नहीं होती लेकिन अच्छा काम कर रहे होते हैं, बार दफा डिग्री होती है वो भी नहीं कर रहे, लेकिन अगर है डिग्री तो अच्छी बात है। लेकिन टीचिंग में सर्टिफिकेशन में तो कोई नहीं पूछता कि आपने क्या किया हुआ, वो अगर कम भी हो तो काम चल जाता आपको, लेकिन अगर मास्टर डिग्री है तो बड़ी अच्छी बात है जी। So I would be interested in like internship and then teaching. If it's for training, definitely can't teach right now. It'll take time. I believe maybe 3 6 months. बिल्कुल आए जी, बिल्कुल आए, आप आए, मैं तो इसको बल्कि प्रमोट करता हूँ कि आपको आना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि टीचिंग में नहीं है, मैं कहता हूँ टीचिंग अगर आप शॉर्ट सर्टिफिकेशन में निकल जाते हैं, आस्ता आस्ता आप अपने आप को ऑनलाइन लेके चले जाते हैं और आपकी टीचिंग ऑनलाइन चल पड़ती है तो बड़ा अच्छा काम है, और ये काम रहेगा फ्यूचर में, चूंकि लोग घर पे